शीला सरकार के 15 साल के शासनकाल में कई मंत्रालयों में मंत्री रहे राजकुमार चौहान पर भी अरविंद केजरीवाल की गाज गिर सकती है। राजकुमार चौहान पर भी लोकायुक्त की जांच बैठी थी और सिफारिश की गई थी कि उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। राजकुमार चौहान शीला दीक्षित सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे। राजकुमार चौहान पर आरोप है कि उनके प्रभाव में अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़कों की कंक्रीट सीमेंटिंग के ठेके में गोलमाल किया गया। ठेके के नियम और शर्तें बदल दिए गए। ये ठेके 300 करोड़ रुपए के थे, जिन्हें 40 कॉलोनियों में बांटा गया था। लोकायुक्त ने इस मामले में 5 नवंबर 2013 को फैसला सुनाते हुए सक्षम अथॉरिटी से जांच कराने की सिफारिश की थी। राजकुमार चौहान के खिलाफ ये अकेला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2011 में लोकायुक्त ने राजकुमार चौहान को पद से बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। राजकुमार चौहान पर आरोप था कि उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के एक पॉश बैंकेट हॉल से जुड़े कर चोरी के मामले में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई। लोकायुक्त की जांच में यह आरोप सही पाया गया। लोकायुक्त ने उस वक्त की राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल से यह सिफारिश की थी कि राजकुमार चौहान को उनके पद से हटा दिया जाए, पर लोकायुक्त की मांग को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। नई सरकार के पास इस मामले की फिर से जांच का पूरा अधिकार है और अगर केजरीवाल सरकार इस मामले को फिर से उठाती है तो राजकुमार चौहान मुश्किल में फंस सकते हैं। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार की नजर शीला दीक्षित सरकार में मंत्री और बाद में विधानसभा अध्यक्ष रहे योगानंद शास्त्री पर भी तिरछी हो सकती है। साथ ही शीला सरकार के सबसे सक्षम और कई मंत्रालय संभाल चुके मंत्री अशोक वालिया भी लोकायुक्त जांच के दायरे में आ सकते हैं, लिहाजा इन पर भी केजरीवाल सरकार की तलवार चल सकती है। शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अशोक वालिया पर अवैध निर्माण का आरोप लगा। पूर्वी दिल्ली में डॉक्टर अशोक वालिया का अपना एक नर्सिंग होम था। आरोप लगा कि डॉक्टर वालिया ने नर्सिंग होम का अवैध निर्माण करवाया। लोकायुक्त ने अवैध निर्माण के मामले में दिल्ली के जिन 35 विधायकों से जवाब तलब किया था उसमें वालिया भी शामिल थे। शीला सरकार के नामी मंत्री अशोक कुमार वालिया ने लोकायुक्त से कहा कि उनके दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बने नर्सिंग होम का अवैध निर्माण का हिस्सा गिरा दिया गया है। अब अगर अरविंद केजरीवाल 35 विधायकों के साथ अशोक कुमार वालिया पर लगे लोकायुक्त के आरोप की फाइल खुलवा दे तो मुश्किल सब पर आएगी। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर योगानंद शास्त्री पर लोकायुक्त की अदालत में भ्रष्टाचार, सरकारी धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे। इनमें ब्यूरो ऑफ लेजिस्लेटिव स्टडीज के खातों में गड़बड़ी से लेकर निजी आवास पर सोफे की मरम्मत में धन के दुरुपयोग जैसे आरोप भी शामिल हैं। योगानंद शास्त्री पर यह आरोप विधानसभा के पूर्व सचिव की ओर से लगाए गए। उन्होंने यह मामला लोकायुक्त तक भी पहुंचा दिया। लोकायुक्त ने माना कि उनके पास स्पीकर के जांच का अधिकार नहीं है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने यह पूरा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रेफर कर दिया। ऐसे हालात में शीला दीक्षित और उनके सरकार के प्रमुख चेहरों पर जांच और कार्रवाई की तलवार अटक रही है, जो कांग्रेस और आप के बीच समर्थन के खेल की भी दिशा तय कर सकती है।